Hey guys, it's Arman Malik and I'm back with a new video. So guys, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि मोटापा कैसा कम करें। बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब मुझे वेट कम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को मतलब शादी में जाना, फ़ोटोशूट है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं आगे चल के। तो नेचुरल वे में मैं बताऊंगा कि आपको वेट कैसे कम करना है, इसके पीछे क्या रीज़न है आपका वेट बढ़ने का, या वेट कैसे कम होगा। और ये काफ़ी जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसमें आपको कोई फैट बर्नर कुछ एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा हेवी कुछ नहीं करना है, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। या एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए लोग फैट बर्नर चला देते हैं, वो आपका जो ये होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं आप, मतलब भूख, वो आपका कम कर देता है। तो आप खाना कम कर देते हो, फैट बर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। आप मतलब फैट बर्नर के लिए भी रहता है कुछ कुछ, 30 डेज से ज़्यादा आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो। सो उसके बाद जो आप छोड़ते हो ना, तो वापस आप मतलब वापस वही जगह आ जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आप अगर देखोगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। सेम चीज़ होता है बॉडी बिल्डिंग में भी, जो लोग नेचुरल नहीं रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं, वो जब यूज़ करेंगे तभी बॉडी वैसी रहती है, वो जब छोड़ देते तो उन्हें बॉडी कवर करना पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो जो उन्हें शर्टलेस देखे थे, ऑन स्टेज देखे थे, और अभी ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे होता ना सवाल आते हैं। सो खैर, मैं आज मोटापे के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे मेन रीज़न है आपकी डाइट, खान पान जो भी आपका है वो आपका वो सही नहीं है। सबसे मेन है उसे आपको कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, हल्के हल्के एक्सरसाइज ऐड करनी है। थर्ड थिंग, आपको बॉडी को रेस्ट देना है। ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ आपका बॉडी क्या ना, आपको जो आप खाते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ खाना कम कर दो, सडनली आप नहीं छोड़ सकते हो। जैसे आप अब एक दिन में आप 3000 कैलोरीज खाते थे, तो मैं बोलूँगा कि 1000 खाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो एक्स्ट्रा है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऑयली है, उसको आपको हल्का 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 करके ये कम करना है, ठीक है। उसके बाद शुगर आपको हल्का 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 करके आपको ये कम करना। इसके साथ सुबह मॉर्निंग में बेस्ट फैट बर्नर, नेचुरल फैट बर्नर आपको कुछ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी आती है विदाउट शुगर, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मतलब एक कप गर्म पानी आपको करना है सुबह, ये मॉर्निंग में एक कप गर्म पानी में कॉफ़ी डालनी है, ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्लैक ही होती है, ब्लैक कॉफ़ी डालनी है, ब्राउन होती है, जो भी है, आपको ब्लैक कॉफ़ी बनानी है सुबह मॉर्निंग में, उसे पीना है, ठीक है। सुबह उठते साथ सबसे पहले आपको एक गिलास पानी पीना है, उसके 15 से 20 मिनट बाद आपको ये कॉफ़ी पीना है। फिर आप जो भी नॉर्मल खाते हो, खाने में अच्छी चीज़ें ऐड करें, लाइक मतलब ऐसी चीज़ें ऐड करें जो स्लो डाइजेस्ट करे, लेट तक आपको भूख ना लगने दे,